गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम सेवन्थ क्लास का लेसन रीड कर रहे थे पापा खो गई। ये लेसन हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, अब हम आगे करेंगे। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नास पीटे को अच्छी तरह करीब से, करीब मतलब पास से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नज़र थी उसकी। घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह तो मुझे ही न उठा ले जाए। कौन बोलता है बात कि कोई कहीं ये मुझे ही न उठा ले जाए। लेटर बॉक्स कौवा ताऊ आपको खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों के सामने देखती है। अधखुली मतलब आधी खुली हुई। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, सपन देखने जैसे भाव मुद्रा। सपन मतलब सपना। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपिटों का, उनका वहीं जाने। कौवा ताऊ, एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे। उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी। गश्त मतलब चक्कर, गोता, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तुम। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की सपन देखती हुई सी खड़ी है। सपन सपना। लड़की, क्या ये सब क्या सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध मतलब चुपचाप हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। जो जीवित नहीं होते उनको निर्जीव वस्तु बोलते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखते हैं सभी निशब्द, कौन बोल रहा था, मतलब चुपचाप कि कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, कौन बातें कर रहा था। मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मेरी मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं। कौन बोलती है ये सब बातें। लड़की, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो न, नहीं तो मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की, पहले ऊपर देखते फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो। लेटर बॉक्स, हाँ मेरे मुंह नहीं है क्या। लड़की, तुम चलते भी हो। लेटर बॉक्स, हाँ आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, इसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, खिलखिलाकर मतलब जोर से मजा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता हूँ। लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपिटो के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ने अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा था, लग रहा है सपना, लग रहा है सपना। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज, देख लो
यूं ही लगता है तू रहती कहाँ है। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ। लड़की, है घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते वैसे ही घर भी गली में ही तो में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ। लड़की, सड़क पर आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ उस सड़क पर है ना, आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम सब घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़क पर सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है। लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे तुम सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन है, ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, हैं, नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खम्बा, कोआ सभी ठंडी लंबी सांस लेते। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क पर लोगों का दिया हुआ नाम क्या है। लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं, सच कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स, पेड़ के लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख इस पर कैसे पता लिखा हुआ है, वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खम्बा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खम्बे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है, ऐ कौन। लेटर बॉक्स, खम्बा, जीभ काट कर, नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से। पेड़, है एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कोआ, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला यह कौन। कोआ, खम्बा, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर बिगड़ता है, पुन मतलब फिर से। वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज। लड़की, वो देखो देखो कोई नाच रहा है, सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन। लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन, बताओ ने, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं, लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खम्बा, यह कोआ भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से। लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए हम जब हम अकेले होते हैं ना तब बोलते हैं, चलते नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन फिर पुनः बिगड़ता है, घुंघरों की आवाज़, वह फिर अब पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खम्बा, पेड़ को शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ, सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ न पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। ये सब बातें लड़की बोलती है। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खम्बा सीधा खड़ा है। खम्बे, खम्बे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो न, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लड़की खम्बे को बोले कि आप भी बैठ जाओ वरना मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों। पेड़, क्योंकि वह जब से वह यहाँ खड़ा
किया गया है, तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, मतलब हैरान होकर, अरे मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खम्बा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, हैं चलो सब मिलकर। बड़े यतन मतलब कोशिश से खम्बे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खम्बा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, पेड़ मैंने देखा था, जीभ काटता है, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की यह लड़का जो जी में आए बोल देता है तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खम्बे को आंख मारकर, चलो ठीक 0 तो 0 सही। लड़की ए हम सब अब खेले हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है घुंघरों की आवाज़, मजा। एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोचकर, ए मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं, हैं मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। सभी हाँ हाँ दिखाओ ने, वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खम्बे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खम्बा कौन? पेड़ वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खम्बा सचमुच कोए से, उसके आने का वक्त हो गया, मतलब वक्त समय हो गया है। कोआ किसके? खम्बा हूँ उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, बाप रे। तब फिर? पेड़ क्या किया जाए? खम्बा कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़ लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है। सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, मतलब बोलते हैं कान में, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है, देखते ही सब निशब्द चुपचाप, निशब्द मतलब नाचने वाली। आज ये लेसन हम यहीं तक रीड करेंगे, अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। भंगिमा मुद्रा, आफत मुसीबत, तकलीफ परेशानी, स्वभाव आदत, गुरूर घमंड, चरण पद, जमाही उबासी लेते हैं ना हम, नींदारण होती है जब, प्राइवेट निजी, शब्द चुपचाप, फोकट बेकार, दुष्ट बुरा, सपन सपना, गश्त लगाना चारों ओर घूमना, प्रेक्षक दर्शक, ककर्स कानों को खराब लगने वाली आवाज। आपको ये कठिन शब्दों के अर्थ अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने और लेसन को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।